आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। आरती सिंह ने पटना मेयर पद से नामांकन का पर्चा भर दिया है, देख सकते हैं तस्वीरों में। इनके साथ कुछ समर्थन में लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। टीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन की आप चुनाव जीती। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, आप एक महिला कैंडिडेट है और सबसे पहले आप चुनाव जीतती हैं, तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी? बस मेरी फर्स्ट प्राथमिकता यही होगी कि हम अगर मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो ये पटना नगर निगम का जो लोग नाम आज बदनाम करे, जबकि सारा साफ सफाई जो भी होता है काम, ये पटना नगर निगम के द्वारा ही होता है। लेकिन अभी भी हम रास्ते में चलते हैं तो हम सुनते हैं क्या कि ये पटना नगर निगम नहीं है, ये तो नरक नगर निगम है। तो बस मैं ये दाग जो लगे हुए हैं उस दाग को दूर करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरीके से ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक जगह पर लोग इधर उधर टॉयलेट कर देते हैं, इधर उधर थूक देते हैं, उस तरीके से कैसे उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मेरा नगर निगम का नाम, क्योंकि सारा सफाई कर्मचारी वहीं के हैं जो लोग नगर निगम में जो काम करते हैं, वो लोग का काम है कि वार्ड का सफाई करना। लेकिन हम देखते हैं कि इतना होने के बावजूद भी उनको ये संज्ञा मिल रहा है कि ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि इनका ये नगर निगम जो कहा जाता है नरक निगम, पटना का ब्यूटी बना देना एकदम एकदम बिल्कुल ही कोशिश करेंगे, एकदम पूरी कोशिश भी रहेगी। आप बताइए, इनके समर्थन में आई हैं? हाँ, मैं इसकी समर्थन में हूँ और मैं भी इनसे अनुरोध करूँगी कि जो भी ये अपने बीरा उठाई हैं वो इसको दिखाएं, सच्चाई मतलब कि लाएं। आप बताइए सर, आप इनके पिताजी पिताजी इनके पिताजी अपने बेटी के लिए कितना सपोर्ट करेंगे? मैं 16 आना भी सपोर्ट करूँगा। मेरा नाम है शिवजी कुमार और पटना नगर निगम के बारे में नशे नस में जानता हूँ। और यहाँ जो है सो इतना भ्रष्टाचार है, इतना गड़बड़ है, मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार ही है। विकास तो कन में विकास के नाम पर पैसा आता है, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है ये कहना मुश्किल है, ये कुछ पता नहीं चलता है। और यहाँ पर जो है प्राधिकारी भ्रष्ट कर्मचारी के सहयोग से मालोमाल होकर चले जाते हैं, लेकिन नरक निगम के में तब्दील हो रहता है, जबकि कर्मचारी कम नहीं है और कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके जगह पर बहाली नहीं हो रहा है, और जो रिटायर कर रही जो कर्म है कर्मचारी मर गए हैं उनके जगह पर बहाली नहीं हो रही है। इसके अलावे उनका बकाया राशि नहीं मिलता है, जिसके कारण गहना जेवर बर्तन बासन बेच करके लोग, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अनेकों प्रॉब्लम है, उसको सुधार करेंगी ये। आप बताइए सर क्या कहेंगे? खड़ा हुई है जीते, ठीक है, इनको चुनावी मैदान में लाने का क्या कारण है सर? कारण है कि जनता का सेवा करेगी। अच्छा, जिस तरीके से नगर निगम वाले कितना दिन से हड़ताल पे हैं और कोई उन लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो उनके लिए कुछ अस्थाई जगह देंगे? एकदम। आप बताइए सर। हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी, पूरा। मेयर से कैंडिडेट थी हमारे साथ जिनसे हम बातचीत की, अगर ये चुनाव जीतती हैं तो विकास का बौछार करेंगी, पटना को ब्यूटी बनाएंगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि जनता कितना इनका सपोर्ट करती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।